हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल में देख लिया, इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ एमपी स्टेट की, ठीक है। अब एक कमेंट देख के दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई है। आप खुद एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे कमेंट, और लिटरली आपको भी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि भाई पूरा देश एमपी में एग्जाम दे रहा था, प्रदीप कुमार भाई बोल रहे हैं। तो जिस स्टेट में दोस्तों जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है फॉर्म उतने ही ज़्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब एमपी रहा दोस्तों हिंदी भाषी राज्य, तो राजस्थान से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एमपी एग्ज़ाम देने गए थे, और आस पड़ोस में दोस्तों आपको एग्ज़ाम देते टाइम पता ही चल गया होगा कि कितना कॉम्पिटिशन कहाँ पर है, ठीक है। तो प्रदीप भाई ने एकदम बिल्कुल सही कहा। पिछली बार टोटल जो वैकेंसीज थी वो थी 185, और इस बार जो टोटल वैकेंसीज हैं 311। पिछली बार का कट ऑफ अगर आपको पता नहीं है तो 54.25 या 75 के आसपास रहा था। तो इस बार दोस्तों कंपटीशन जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा वैकेंसी है कंपटीशन उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। 311 वैकेंसी है तो कंपटीशन वहाँ पर भी है। तो कट ऑफ दोस्तों पिछली बार जितना ही रह सकता है या फिर उससे एक दो नंबर कम या एक दो नंबर प्लस माइनस टू, ठीक है। तो 54+-2 कट ऑफ एमपी स्टेट की रह सकती है, और अगर आपने 52-55 की रेंज में अगर आपने अटेम्प्ट बनाए हैं तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कट ऑफ जो है एमपी स्टेट का वो मेरे अकॉर्डिंग 55 के अराउंड प्लस माइनस टू आप मान करके चलिए, ठीक है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो पर रहता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग स्टेट की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए जुड़िए। हैव अ नाइस डे गाइस।